हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एक्सेस के ऊपर। डेटा एक्सेस, जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है डेटा साइंस के ऊपर या हाउ यू कैन लर्न डेटा साइंस, तो उसमें जो मैंने पहली चीज़ बताई थी वो ये थी कि जो डेटा साइंस का सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है डेटा एक्सेशन या डेटा एक्विजिशन भी बोलते हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और थोड़ी सी जो उसकी डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, डेटा जो है वो वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड वो वेरी कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर डेटा एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स से आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक न्यूमेरिकल डेटा सेट होगा, और डिपेंडिंग वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, और कोई शख्स जो है वो मेडिकल इमेजिंग पे काम कर रहा है या कोई रिसर्च ग्रुप मेडिकल इमेजिंग या मेडिकल साइंस से बिलोंग करता है, ऐसी साइंस से कि जहाँ पे सीटी स्कैंस या ह्यूमन बॉडी के इमेजेस लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनका डेटा है वो इमेजेस की फॉर्म में आ सकता है। अब कोई स्पीच टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है तो वो डेटा जो है वो साउंड की फॉर्म में आ सकता है, और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डेटा उसकी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ भी डेटा एनालिसिस होगा, तो डिस्पाइट के डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है उसका जो कन्वर्जन है वो हमेशा जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में फर्स्ट होगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डेटा एनालिसिस, या उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो हमेशा उसकी कन्वर्जन जो है न्यूमेरिकल डेटा उस फॉर्म में होगी। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, जैसा कि पास्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा सेट है, तो डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी और हाउ पीपल आर स्टोरिंग देम, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ कमिंग फ्रॉम डेटाबेसेस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टाइल से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड वेयर यू वॉन्ट टू गो और वेयर यू वॉन्ट टू लर्न डेटा साइंस, तो आपको इस चीज़ को सबसे पहले समझना चाहिए कि आपका जो डेटा ऑफ इंटरेस्ट है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, और हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस और जहाँ से आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस डेटा को किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्मेट में और कहाँ पे उसको स्टोर करती हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि डेटा एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स एक्सपेरिमेंटल ट्रायल से आ रहा है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन वंस अगेन ऑर्गेनाइजेशंस, अब मैं लेट्स सपोज एग्रीकल्चर से हूँ तो मैंने मोस्टली जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो सिंपल एक्सेल या सीएसवी फाइल्स में देखा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डेटा को इन फॉर्मेट्स में अपनी वेबसाइट के ऊपर ओपनली अवेलेबल कर देती हैं, लेकिन जो बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आजकल डिफरेंट लाइक काइंड्स ऑफ रिपोजिटरीज में अपना डेटा सबमिट करवाते हैं, तो वो एक अच्छा कंपोनेंट है और साउंड कंपोनेंट है के टू एक्सेस डेटा रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर। तो वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड एंड टाइप ऑफ डेटा, तो उसका जो एक्सेस है उसका जो सोर्स है वो वेरी कर सकता है। अब डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ब्रीफली बात की। अब लेट्स सपोज के न्यूमेरिकल डेटा हम रेगुलरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या सीएसवी में उसके ऊपर उसको देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। डेटा सैटेलाइट इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, यूएवी इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, सीटी स्कैंस की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट डेटा हो सकता है। अब अगर कोई आदमी या कोई डेटा साइंटिस्ट जो है वो जियो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करता है तो दे नो वेरी वेल के डेटा जो है वो शेप फाइल्स के फॉर्म में आ सकता है, फीचर क्लासेस, पॉलीगॉन्स, लाइंस, पॉइंट्स, ये सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। केएमएल्स हो सकती हैं, जेसॉन का फॉर्मेट है उसका, जियो जेसॉन में स्पेशल डेटा आ जाता है। तो ये डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द डेटा उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, और इनका जो एक्सेस है वो आपको डिफरेंट सोर्सेज से करना पड़ता है। तो डेटा साइंस का पहला कंपोनेंट के डेटा को फाइंड करना बेस्ड ऑन योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड क्वेश्चंस, और उसको रिट्रीव करना। अब बोथ इन पाइथन, आर और जितने भी अदर टूल्स हैं हम डेटा साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उनके ऊपर उनके पास अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डेटा को लोड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। तो विच एवर टूल यू ट्राई टू लर्न एंड यू आर ट्राइंग टू यूज़ लर्न, आप इस चीज़ को सीखें कि आप डेटा पहले तो कैसे, कहाँ से ढूंढना है, और जब वो आपको मिल जाए तो उसका स्ट्रक्चर देखें और कि उसको लोड कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और इट कैन टेक टाइम। मैंने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं कि जहाँ पे सिंपली मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, तो व्हेन आई वाज
आई स्टार्टेड लर्निंग आई वॉज स्पेंडिंग मे बी लाइक कपल ऑफ मिनट्स टू लाइक आवर्स टू जस्ट लोड द डेटा. बाज़ का ऐसे एरर आ जाते हैं, हम लोग ये टूल्स हमारे लिए न्यू होते हैं तो हम इन एरर्स को समझ नहीं सकते. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस और लगन की ज़रूरत है. एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर होगी तो आप इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे और सीख भी लेंगे. तो ये तो था आज का इंट्रोडक्शन डेटा एक्सेस के बारे में. बाकी इट डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड ऑफ स्टडी और कौन सी आपका सेक्टर कौन सा है, तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डेटा जो है वो किस टाइप का है आपके फील्ड में और कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं कि जहाँ से आप अपना डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. तो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज. हैव अ गुड डे.